पिंड तीरथपुर का एक चर्च है जिथे कि बंदगी जी है वो की गई है और बड़े शांतमई ढंग के नाल हुई है। पुलिस प्रशासन का बहुत वधिया संयोग आ, उन्होंने संयोग के नाल जी बंदगी हुई है। जगह जरूर बदली गई है क्योंकि वह जी जगह का मालक सी वह भी वो हाथ जोड़ गया ही कि मैं भी खतरे च हाँ, इस करके मैं परमिशन नहीं देना चाहता। बड़ा विवाद चलता सोशल मीडिया से, कहते कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मने कोई मनाही नहीं है, लेकिन तुहाडे क्रिश्चियन भाईचारे वालों पिंडा च जाके घर घर जाके पैंपलेट दे के धक्के नाल लोगों नूं अपने चर्च च बुलाउण दी कोशिश की जाती है कि इत्थे आओ तुहाडियां बीमारियां दूर करांगे। आर्टिकल 25 मुताबक तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म नूं कबूल कर सकता मन सकता। आर्टिकल 19 के मुताबक कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता वा। प्रभु यीशु मसीह दे नाम ते अज भी लोग बीमारियों तो चंगे होंदे आ, दुखां तो चंगे होंदे आ, ते किसी नूं दबा नहीं पाया जांदा कि तुसीं जरूरी आओ, वो अगले दी मर्जी आ आवे जां ना आवे। लगता है कि आपसी भाईचारे च प्यार शांति अमन शांति बनाई रखी जिहदी किते न किते जिहड़ियां निहंग सिंह जथेबंदियां वा जां सिख भाईचारा ये बहुत अच्छा वा। ये मतलब लोड़ पैण ते जदों भी किते कोई आफत आउंदी आ अगे हो के हरेक तरह की सहायता करते हैं, पर इतने जिहड़े निहंग सिंह जथेबंदियों कुछ गमराह किया, कुछ शरारती अंसर ने जिस दे कारण ये हमला होया। तो मैं इस गल की निंदा करदा कि गुरु ग्रंथ साहब जां साडा संविधान जां कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं दसदा कि किसी के जिहड़े शासन से जाके किसी भी धर्म से जाके विघन पाया जाए, निहत्ते लोगों को मारिया कुटिया जाए जां उन्हां दे धर्म ग्रंथ का अपमान किया जाए। जिहड़ी RSS जमात आ पहले दिनां दे विच वो मुसलमान अते हिंदू भाईचारे नूं फिरका प्रस्ती की खेड खेड के वो सत्ता च आ के, तो हुण पंजाब दे विच भी ये जिहड़ी ईसाई भाईचारा ते सिख भाईचारे नूं वो लड़ाउणा चाहुंदे आ, दंगे करवाउणा चाहुंदे आ। मैं समझदा कि दोनों ही धर्मां नूं दोनों समाज दे लोगां नूं बड़े ही बुद्धिमानी ढंग नाल सोच समझ के जिहड़ा ये कदम चुकना चाहिए तां कि विवाद ना वधे ते तां कि ये दंगे ना होण। सो अज असीं पहुंचे हाँ जी डड्डूवाला दे कोल एक चर्च दे जिथे कि तुहानूं पता पिछले दिनी एक ईसाई भाईचारे अते निहंग सिंह जथेबंदियां दे विच टकराव हो गया सी। निहंग सिंह जथेबंदियां दा कहना सी कि ईसाई जिहड़ा समुदाय वल्लों है वो लोगों नूं भरम भुलेखे विच पाया जांदा, तो उस तो बाद उन्हां दा उत्थे काफ़ी हिंसा भी होई सी। उस तो बाद जिहड़ा है उत्थे थाणा जंडियाला विखे जिहड़ा दी रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, तो कानूनी कार्रवाई जिहड़ी आ चल रही है। जिहड़े बंदगी दी जिहड़ी गल करिए ईसाई धर्म वालों जी की जाती है उसनों लैके भी ईसाई धर्म वालों कहा गया सी वो खतरा है उन्होंने कि उन्होंने हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसलिए सिक्योरिटी देने की जी है वो गल की सी। सो अज डड्डूवाला के नज़दीक जिहड़ा है पिंड तीरथपुर का एक चर्च है जिथे कि बंदगी जी है वो की गई है और बड़े शांतमई ढंग के नाल हुई है। गल भी करा इतने पास्टर सुखविंदर राजा मौजूद ने, उन्होंने गलबात करा कि किस तरह की अज बंदगी हुई है, किस माहौल में हुई है, किन्ने लोग पहुंचे हैं, तो किस तरह का जो पुलिस प्रशासन वालों सहयोग जिहड़ा है वह दिता गया है। पास्टर जी तुहाडे चर्च दे विच पिछले हफ्ते कुछ विवाद देखने को मिला सी, उस तो बाद कहा जा रहा है कि बंदगी नहीं हुण दित्ती जाएगी, पुलिस वालों विश्वास दवाया गया कि तुसीं अपनी बंदगी कर सकते हो, अज ऐतवार का दिन है बंदगी की है, किस तरीके के माहौल है, तो किन्ना क संगत उत्साह सी? हाँ जी सर, मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता वा कि बंदगी जरूर हुई है, चर्च नहीं बंद हो, बंदगी जरूर हुई है, थां ही चेंज होया वा, असी अपनी थां दे विच कर ली है, तो ये साडा जिहड़ा पुलिस आ पुलिस मुलाजम आ इन्होंने साडे विच साडा संजोग बड़ा दिता है बंदगी करन दे विच, प्रभु यीशु मसीह पूरी पुलिस नूं आशीष देवे। पहले किस जगह ते बंदगी हुंदी सी ते हुण अज किस जगह ते बंदगी कीती गई? असी अज अपने ही चर्च विच कीता है, जिहड़ा अपना साडा थां वा उहदे विच असी कीती है। पहला वो रेंट का थान सी ते उत्थे करदे सी, असीं रेंट लिया सी, रेंट ते लिया सी साल ते ते उत्थे करदे सी, ते हुण इह अज इह अपने थान च कीता। पुलिस प्रशासन वल्लों किस तरीके दे इंतजाम सी, किस तरीके दा माहौल सी अज इत्थे? पुलिस ने ते साडी सारे पासे सहायता कीती है ते अज भी कीती है ते अगे वी साडे नाल ही है, अगे पूरी फुल साडी दिल तो मदद कर रहे आ, प्रभु उन्हां नूं बहुत सारी आशीष दे। नहीं डर डर कोई नहीं है, क्योंकि वो बाइबल च असीं पहला नूं दस्सिया कि कुछ तो हुंदा रहिंदा वा, पर प्रभु ते विश्वास करना बस। सुप्रीम कोर्ट
साहब अज इतने बंदगी की गई है कीरतपुर पिंड पहुंचे जे पुलिस प्रशासन वालों किस तरीके के इंतजाम ने क्योंकि लगातार ही निहंग सिंह जथेबंदियों वालों कहा जा रहा है कि बंदगी नहीं हो दवा। देखो जी भावें निहंग जथेबंदियों वालों कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन साढ़े नाल है इस संबंधी कल ही मैडम एस पी हैडक्वाटर साहब ना मेरी फोन पर गल हुई सी एस एस पी साहब ना भी गल हुई सी कि ताड़ी जिहड़ी बंदगी होगी पुलिस प्रशासन का बहुत वधिया संजोग आ ते उन्हां दे संजोग दे नाल जिहड़ी बंदगी हुई है जगह जरूर बदली गई है क्योंकि वह जिहड़ी जगह का मालक सी वह भी वो हाथ जोड़ गया ही कि मैं भी खतरे च हाँ इस करके मैं परमिशन नहीं देना चाहता। फिर इत्थे पुरानी जगह पर जिथे पहलो बंदगी हुंदी सी उस जगह पर हुई है यह कि इस जगह पर जिहड़े गैदरिंग आ जिहड़े नवीं जगह पर कुछ नवे लोग भी आउंदे उत्थे गैदरिंग ज़्यादा सी दोक नाला जगह सी ते इत्थे भी हुण जे कुछ लोग घट आए आ ते इह माहौल शांत पूर्व जिहड़ा वेख के मैं उम्मीद करदा कि अगले संडे नूं सारे जिहड़े आ लोग आउणगे। कोशिश की जाती है कि इत्थे आओ तुहाडियां बीमारियां दूर करांगे अजिहा ते की कहना चाहोगे? मैं कहना चाहना कि आर्टिकल 25 मुताबक कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म नूं कबूल कर सकदा मन सकदा आर्टिकल 19 के मुताबक कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता वा पर अगले की मर्जी आ कोई आवे ज ना आवे प्रभु यीशु मसीह दे नाम से अज भी लोग बीमारियों तो चंगे होंगे आ दुखों तो चंगे होंगे आ ते किसे नूं दबा नहीं पाया जाता कि तुसी जरूरी आओ वो अगले की मर्जी आ आवे ज ना आवे। निहंग सिंह जथेबंदियां वा जां सिख भाईचारा ए बहुत अच्छा वा ए मतलब लोड़ पैण ते जदों भी किते कोई आफत आउंदी आ अगे हो के हरेक तरह की सहायता करते हैं पर इत्थे जिहड़े निहंग सिंह जथेबंदियों नूं कुछ गमराह किया कुछ शरारती अंसरां ने जिस दे कारण ये हमला होया तो मैं इस गल की निंदा करदा कि गुरु ग्रंथ साहब जां साडा संविधान जां कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं दसदा कि किसी के जिहड़े सत्संग च जा के किसी भी धर्म दे जा के विघन पाया जाए निहत्ते लोगों नूं मारिया कुटिया जाए जां उन्हां दे धर्म ग्रंथ का अपमान किया जाए जो कुछ बीते दिनों होया वह बहुत मंदभागा वा ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਜਮਾਤ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੀਰਥਪੁਰ ਚਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਤੀਰਥਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।